बात कर रहे हैं जिसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। एमाइड हम कैसे बना रहे हैं? हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया है। तो आप ही बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया है, एक एसिड है और एक क्या है, बेस है। ठीक है, ये एच इसको देगा, देते ही ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन NH4। NH4 इसके साथ अटैच हो जाएगा, O माइनस रहेगा यहाँ पर, तो ये O माइनस है और ये अमोनियम, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको गर्म करना पड़ेगा जिससे हमें H2 डिहाइड्रेशन और एमाइड बने, सॉल्ट्स को गर्म करना पड़ेगा। तो जब सॉल्ट बन रहा है और उसको गर्म कर रहे हैं तो इसमें एफिशिएंसी कभी भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि सॉल्ट से आप एमाइड बनाने की कोशिश करें। इनफैक्ट एमाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एमीन्स, नहीं बना सकते अनलेस द अमोनियम सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली टू द डिहाइड्रेट इट। दिस इज नॉट यूजली ए गुड मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, बहुत अच्छा मैथड नहीं है, लेकिन ठीक है, हम फिर भी बनाएंगे तो ऐसे ही बना पा रहे हैं अभी तो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ अमोनिया की जगह आपने एमीन ले लिया तो आपको एमाइड अभी कौन सा मिल रहा है, 1 डिग्री एमाइड है। अगर एमीन ले लिया जाए तो 2 डिग्री एमाइड या 3 डिग्री एमाइड आपको देखने को मिलेगा। 3 डिग्री का मतलब इस नाइट्रोजन के साथ आर आर अलग है। ठीक है, अभी ये 1 डिग्री है, एक भी एच अगर आर से जुड़ा तो 2 डिग्री, एक और जुड़ गया 3 डिग्री। तो यहाँ अगर अमोनिया की जगह आपने एमीन ले लिया तो आपको 3 डिग्री एमाइड देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि बीच में इंटरमीडिएट क्या है, सॉल्ट है, जिसको बहुत गर्म करना पड़ेगा और वहाँ लॉस होता है, मास लॉस ड्यू टू हीटिंग। तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन दी गई है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपने बेंजोइक एसिड ले लिया और अमोनिया के साथ गर्म किया तो बेंजेमाइड बन जाएगा, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक और रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्रेट। अगर किसी भी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H2O निकल जाएगा और आपको क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइट। ठीक है, इसके लिए आप Al2O3 थोरियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P2O5 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बोलो यस और नो। तो आप इस तरह से भी ये रिएक्शंस को बना सकते हैं, तो दोनों ही रिएक्शन से आपको क्या बनेगा, दोनों ही कंपाउंड भले P2O5 हो या Al2O3 हो, डिहाइड्रेटिंग से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइट। चलिए अगर आपको दूसरी तरफ देखने को मिले, एग्जाम्पल इसी के अंदर ले लेते हैं, मैंने ले लिया CaC(CO)OH प्लस OH(CO)CH3, मुझे दिया गया है P2O5 और गर्म करने को बोला गया, सही है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह से ये चीज़ अलग हो जाएगी, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, CaC(CO)CH3। तो एक तरह से एसिड एनहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट। मैं आपके साथ हूँ वापस ये बात बताने के लिए कि ये P2O5 केवल एसिड एसिड से ही नहीं, एसिड और अल्कोहल से भी H2O निकाल देता है, समझना बात को। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 भी, यानी आप एस्टर भी बनाने में काम करेगा, आपके पास OH होगा और अल्कोहल का H बिल्कुल अलग कर सकता है, RC(OOH) प्लस OH और ROH, तो ये आपके पास अलग हो गया है और RC(OOR) प्लस H2। ऐसे कई जगह हैं जहाँ P2O5 दिया गया है और आपको सिर्फ H2O निकालना है, आप बहुत जगह देख सकते हैं RC(OONH2), एमाइड के केस में भी ये यही काम करता है, RC(NNN) P2O5 और आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे एग्जांपल सिमिलर है, H2O निकालता है, हीटिंग करने की ज़रूरत होती है P2O5 के साथ, तो आपको समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन में इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, 4 ध्यान से देखिएगा, OH है और C(OOH) है,
सही है। तो ये इस तरह से भी रिएक्शंस को घुमाता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ एच। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। जब भी इस तरह का आ जाए और हीटिंग आ जाए तो ये आपको अलग ही तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा। फाइनल कंपाउंड कैसा देखने को मिलेगा इसमें, P2O5 के साथ गर्म कर रहा है आपने, तब आपको कंपाउंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। और यहाँ क्या दिखे दिखाई देगा, ओ हो सकता है इसको थोड़ा सा बढ़िया सा बना दिया जाए डेकोर करके। तो टोटल कितने एटम आ जाएंगे बीच में भी, चार आपको दिखेंगे ऐसे, बड़ा प्यारा सा कंपाउंड दिखता है। हाँ तो आप कैसे भी बना लीजिए, दिखने का ही है, बन तो वही रहा है। थोड़ा सा तरीके से बना देते हैं तो आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये पूरा आपके पास एक कंसेप्ट है कि P2O5 का क्या रोल हो रहा है यहाँ।